उदयपुर जिले के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के बीचों बीच एक के बाद एक चार केलुपस मकानों में भीषण आग लग गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। गांव के उप सरपंच रतनलाल मेवाड़ा ने बताया कि कस्बे के बीचों बीच नाथू सिंह राजपूत के केलुपस मकान से धुआं उठना शुरू हुआ तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग ने कान सिंह राजपूत, कालू सिंह राजपूत व समृत सिंह के केलुपस मकानों को चपेट में ले लिया और मकानों में रखी लकड़ियां व घास जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पर सायरा पुलिस का जाप्ता व उदयपुर से दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने नाथू सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो एक गांव बड़ी अच्छी केंद्रो ठोका केंद्रो को भाग मार दे केंद्रो ठोका केंद्रो ठोका केंद्रो पहले तो गाड़ी को वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।